क्या हरियाणा में बीजेपी INLD के बीच कोई साठगांठ है? कांग्रेस ने बीजेपी को मंत्रा और INLD को केकई क्यों कहा? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, खासकर उन प्रदेशों में जहां लोकसभा चुनाव के साथ या फिर तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला हरियाणा पहुंचे, जहां उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल पर जमकर हमला बोला। चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और INLD की तुलना रामायण के किरदारों मंथरा और केकई से करते नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज के दौर में मंथरा और इंडियन नेशनल लोकदल केकई है, लेकिन ये दोनों मिलकर भी कांग्रेस को सत्ता में आने से नहीं रोक सकेंगी। INLD को बीजेपी की बी टीम बताते हुए सुरजेवाला ने कहा कि ये पर्दे के पीछे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मंथरा और केकई की राजनीति एक बार तो काम कर गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है और इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस में उठापटक के हालातों को दरकिनार करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। प्रजातंत्र में वैचारिक मतभेद हर किसी में हो सकते हैं, लेकिन किसी भी कांग्रेस में मतभेद नहीं है। 2004 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि उस समय भी आपको लगता होगा कि हाथ की उंगलियों की दिशाएं अलग अलग हैं, लेकिन तब भी कांग्रेस ने 67 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस तरह इस बार भी चुनाव में सभी की नजर मछली की आंख पर ही होगी। वही ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में चल रहे विवाद को सुरजेवाला ने सत्ता और महत्वाकांक्षा की लड़ाई करार दिया। उन्होंने कहा कि ये उनका पारिवारिक मसला है और इसे उन्हें खुद ही निपटना होगा। हरियाणा में BSP के साथ चर्चाओं पर सुरजेवाला ने दो टूक कहा कि यहाँ किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।